हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो आज मैं बना रही हूँ फिश करी और एकदम ट्रेडिशनल स्टाइल में। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। सो मैं सारा प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड फीडबैक भी दूंगी। मैं मुझे लगता है बहुत सालों बाद मछली बना रही हूँ, फिश बना रही हूँ। सो मैं उसका रिव्यू भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेट्स स्टार्ट। मैं आ गई हूँ किचन में। सो यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg फिश, ये वॉश किया हुआ अच्छे से। सो फिश वॉश करने के लिए हम लोग आटा थोड़ा डाल के उसको वॉश करेंगे तो बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है। इसमें मैं डालूंगी हल्दी और ये मसाला का पेस्ट। मसाला में मैंने क्या क्या डाला है वो आप लोगों को आगे पता चलेगा। उसके बाद डालेंगे इसमें नमक और इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो पहले एक पैन में तेल डालेंगे और उसके बाद हम इसे एक एक करके फ्राई करेंगे। मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में फ्राई नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएगा। और हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सो ये हो गया फिश फ्राई और ऐसे ही हम लोग सारे फिश को फ्राई कर लेंगे। ये मेरा सारा फिश फ्राई हो गया। फिर हम उसी कढ़ाई में तेल डालेंगे और थोड़े से मेथी दाने और तेज पत्ता ये डाल के, ये जब ब्राउन हो जाए तो हम ये मसाले डालेंगे जो हम लोगों ने पेस्ट मछली में भी यूज़ किया था। और फिर हम इसमें डालेंगे हल्दी और हम इसे अच्छे से भून लेंगे। और उसमें रेड चिल्ली पाउडर भी डालेंगे जो कि मैं रिकॉर्ड करना भूल गई थी। और जब ये फ्राई हो जाए तो हम इसमें डालेंगे टमाटर और टमाटर के साथ साथ हम इसमें नमक डालेंगे ताकि टमाटर हमारा अच्छे से गल जाए। और फिर हम इसे ढक के अच्छे से पका लेंगे क्योंकि सरसों वाला मसाला थोड़ा टाइम लगता है पकने में। सो ये मसाला हमारा भून गया है क्योंकि तेल रिलीज़ कर दिया है इसने। फिर हम इसमें गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। और ये है मेरा स्पेशल इंग्रेडिएंट जो कि मैंने अपनी मम्मी से सीखा है फिश बनाते टाइम क्या डालते हैं। इसमें हम लोग अचार के मसाले को डालते हैं। उसमें पानी मिक्स करके अचार के मसाले में और फिर हम इसमें मसाले में डाल देते हैं ग्रेवी में। और अब हम डालेंगे फ्राई फिश और ग्रेवी में हम लोग डाल देंगे फ्राई फिश और हम इसे अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और बॉईल करने के बाद हम लोग डालेंगे इसमें धनिया पत्ती। और ये हो गया हमारा फिश करी रेडी। 2 मिनट बॉईल होने के बाद हम इसे बंद कर देंगे। आप देख सकते हो ये कितना टेस्टी दिख रहा है। सो चलते हैं, सबको देते हैं खाना। इधर देखिए कैसा लगा फिश। बहुत टेस्टी, एकदम मम्मी जैसा लगा। देखा, टैलेंटेड मिली आपको खाना बनाने में।